The second part, reflection and refraction. What exactly is reflection? The phenomena of rebouncing of ray of light, the phenomena of bouncing back of ray of light when it falls on opaque, polished opaque surface is called reflection of light. जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मिरर है, M M dash is a mirror. यहाँ से ये लाइट आया, so this is ray of light, incident ray कहेंगे इसको. यहाँ पे fall हो रहा है, okay? And यहाँ से reflect हो गया, reflector ray. So this phenomena is called reflection of light. मान लो उस point पे हमने perpendicular draw किया, इस surface से normal draw किया. So this is your normal incident ray, reflected ray. ये incident ray normal से जो angle form करता है उसको बोलते हैं angle of incidence, and reflected ray जो normal से angle form करता है उसको बोलते हैं angle of reflection. So this is the angle of reflection, this is the angle of incidence. Okay, यहाँ पे एक law भी चलता है. What is the law of reflection, वो देखते हैं. पहला सबसे important, ये हमने पहले भी पढ़ा है, the angle of incidence, this angle is always equal to the angle of reflection, यानी this angle I is always equal to R. ठीक है ना. इसके बाद दूसरा जो लॉ है, इंसिडेंट रे यानी दिस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज कोप्लेनर, दे लाई ऑन द सेम प्लेन. ओके, सो ये हमारा रिफ्लेक्शन है बेसिकली. व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्रैक्शन, छोटे से टर्म में हम देख लेते जल्दी से. द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट बेंड होता है. अभी हमने एक फिनोमेना जो स्टार्ट में देखा क्या था, वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते तो बेंड कैसे हो रहा है, दैट वॉज इन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम में था. यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो जहां भी मीडियम चेंज होगा लाइट क्या होगा, बेंड होगा. और उसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन. जैसे अगर हमने एक ग्लास में, कांच की ग्लास में अगर पानी लिया, उसमें पेंसिल डुबा दो, तो उस पॉइंट पे जहां पे वो पेंसिल डिप है, उस सरफेस पे देखोगे थोड़ा सा बेंड दिखेगा, वो दैट इज ड्यू टू लाइट बेंड हो रहा है, सर पेंसिल नहीं बेंड हो रहा. सो वो रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है. ओके, जैसे कि मान लो ये इंटरफेस है एयर और ग्लास का. ओके, ऊपर है, नीचे ग्लास है, और यहाँ पे ये लाइट आके इधर स्ट्रेट आया, और फिर जैसे जहां पे बेंड, जहां पे वो एंटर कर रहा है उस एग्जैक्टली इंटरफेस पे बेंड हुआ है. सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे. ओके, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड, बेंड हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट जा सकता था तो बेंड हुआ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. एंड नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म किया, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. ओके, और इसमें जो लॉ काम करता है वो देखते हैं. पहला है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, अगर ये हम एंगल चेंज भी करें उसके अकॉर्डिंगली आर चेंज होगा, लेकिन हर वैल्यू, हर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज में हम क्या देखेंगे कि जब तक ये एयर और ग्लास का मीडियम ऐसे ही है, ठीक है, चाहे कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा ही मिलेगा कि आई एंड आर का जो ये साइन वाला ऐसा रेशियो, साइन आई बाय साइन आर विल ऑलवेज बी अ कॉन्स्टेंट. ठीक है ना, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. ठीक है ना, अगर ये एयर टू ग्लास की बात हो रही है तो हमेशा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रेशियो रहेगा ये क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट. एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम. इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा, ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम दैट इज एयर. एंड ये कब चेंज होगा, ये चेंज तभी होगा जब ये मीडियम्स हम चेंज करेंगे. अदरवाइज फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम और मीडिया, ये जो रेशियो है दिस विल बी ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट. ओके, जैसे कि ये रेशियो अगर हम वाटर के लिए अगर हम देखें तो इट कम्स आउट टू बी 1.33 एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास के लिए 1.5. ओके, तो ये चीजें क्या होती है, ये फिक्स होती है, चाहे तुम जो एंगल आई का चेंज करोगे उसके हिसाब से आप भी वैसे ही चेंज होगा कि ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा फॉर दैट गिवन पेयर. ठीक है, तो वो एक पैरामीटर बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे के टर्म्स में जब हम मेजरमेंट्स करेंगे फोकल लेंथ और लॉ, तो ये चीज बहुत हेल्प करेगी. ओके, इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे, अच्छा ये पहले लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है. ओके, एंड द सेकेंड लॉ इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन ऑन द सेम प्लेन. यहाँ भी होगा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल
lie on the same. यहाँ reflected ray था यहाँ refracted.